जहां बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, जिसकी जिंदगी में संस्कृति और भक्ति नहीं होती वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। जिसके घर में भक्ति नहीं होती उसकी नस्लें खराब हो जाती, जैसे बारिश के बिना फसलें खराब होती वैसी भक्ति के बिना नस्लें खराब होती। भक्ति करना है आपको तो मुझे बहुत प्यारी बात लगती हनुमान जी के, तुम्हारे भजन राम को पंचमुखी हनुमान जी वाले पूज्य पुजारी जी बैठे हुए हैं, इनके भी परंपरा में अभी हम जब मिले तो हमें बता रहे थे कि हमारी 5 पीढ़ियों से हनुमान जी की सेवा चल रही, पर महाराज जी आप बैठे हैं हनुमान जी के उपासक हैं, हम इतना कह सकते हैं तुमरे भजन राम को जन्म जन्म के दुख विसराए। हनुमान जी महाराज तुमरे भजन, तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसराए। अच्छा हनुमान जी ने किसी का दुख मिटाया? हाँ, किसका? माता जानकी का। लंका में दुख मिटाया, अशोक पेड़ के नीचे माता जानकी शोक में बैठी, पेड़ का नाम अशोक है और बैठी शोक में माता जानकी जी, अशोक पेड़ के नीचे शोक में बैठी। हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। माता जानकी जी के दुखों का निपटारा श्री हनुमान जी ने किया, इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी दुखों को मिटाते हैं। बोलो जय सियाराम। हनुमान जी ने हमने कल की कथा में सुंदर कांड में सुना, उलटे पलटी लंका सब जानी, उलटे पलटी लंका सब जानी। अच्छा देखिए हनुमान जी ने उल्टा पलटा कर लंका को जला दिया, जरा देखना हनुमान जी कितने गजब के देवता। कोई किसी का मकान जलाने जाएगा तो तेल ले जाएगा, माचिस अपनी ले जाएगा, पेट्रोल अपना ले जाएगा। धन्य है बजरंग बली, क्या गजब के देवता है, उन्हीं का तेल, उन्हीं की आगी, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की लंका जलाकर बजरंग बली आ गए। ऐसे हनुमान जी अद्भुत है, इसलिए गोस्वामी जी लिखते उलटे पलटे हनुमान जी लंका जला रहे थे तो रावण से लोगों ने कहा कि भाई जाओ समझाओ, आग ही लग गई है। रावण बोला हमें पता है, जो अभिमानी आदमी होता है वो ऐसे ही बोलता है, उससे कोई भी बात करो हमें पता है, हमें सब पता है, हमें सब पता है। जिसे सब पता है ये बार बार बोले समझ लेना इसे हलवा पता नहीं। कुछ लोग हमें मिलते हैं, गुरु जी हम कभी झूठ बोलते ही नहीं, और जो बार बार ये बोले हम कभी झूठ बोलते नहीं, समझ जाना ये कभी सच ही नहीं बोलता, क्योंकि झूठ नहीं बोलते, इसको कहने की क्या जरूरत है, सत्य बोलो, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि हम आ गए, सूर्य की रोशनी बता देती है कि वो आ गए। ज्ञानी को बताना नहीं पड़ता कि ये ज्ञानी है, ज्ञानी का मौन ही बता देता है कि ये ज्ञानी है।